अलगू मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद गज़ा की जंग का जो दायरा कार है मुझे कहीं ना कहीं मजीद बढ़ता ही नज़र आ रहा है गो के कतर के अंदर दोबारा इसकी बैठक शुरू हो गई है लेकिन जैसा कि हम अमूमन आपको बताते रहें इससे कबल कि असल में जंग बंदी का जो बुनियादी तौर पर जो असर अगर आएगा या उसको पे अगर कोई अमल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अमेरिका उसके अंदर अपनी संजीदगी दिखाए लेकिन बदकस्मती से अमेरिका उसमें अपनी संजीदगी नहीं दिखा रहा जिसकी वजह से ये मामला जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है अच्छा अब वो आपने देखा कि ईरान पर भी हमला हुआ लेकिन अब ईरान पर हमला तो हुआ लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से तो फिलहाल कोई बात नहीं हुई बदले की गो के वो काम इस पर हो रहा है और कल सारी रात मख्तलफ जगह पर ईरान में दो तो अहम बैठकें होती रही हैं इस हवाले से जो मेरे पास ख़बर है कि क्या फौरी तौर पर करना होगा मतलब वो वहाँ अपने तौर पर वो सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना लेकिन जो मैंने कहा ना कि बढ़ रही है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ईरान से मतलब ये हुआ ही नहीं था फाइनल के उन्होंने जवाब देना है कि नहीं जानना वो बदला जो है ना तो हूतीज ने कर ले लिया जनाब उनसे अभी मीडिया पे बहुत ख़बर छुपाई जा रही है कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे भी आ रही है लेकिन वो भी सही पूरी ख़बर नहीं है हुतीज ने क्या किया, किया जनाब तलबी पे उन्होंने हाई प्रसोनिक मिज़ाइल जो है ना वो उन्होंने दागा है और वो जनाब ऐसा सही जगह उन्होंने हिट किया है कि वो जाकर जनाब वहां पर तकरीबन कोई बताया जा रहा है मैंने मालूम की है इसराइल से अब जैसे ईरान के अंदर पाबंदी ना खबर निकालने की इसराइल से भी बड़ी पाबंदी है तो यरूशलम से पता लगा तलबी तो बिल्कुल कोई ख़बर नहीं निकलने दे रहा वहाँ इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि वहाँ अगर किसी से बात करें किसी एनालिस्ट वगैरह से तो अगर वो इसराइली मिलिट्री के बारे में जब कोई भी अगर आप ऐसी बात करते हैं आई के हवाले से तो वैसे फिर वो उसकी जो है ना पीछे से वो सर्वेलिंग शुरू हो जाती है तो जो बहरहाल बात की उससे ये पता लगा कि ये जो तलबी पे जो हमला हुआ है ना इससे बड़ा नुकसान होगा इनको दस के करीब कहते हैं वो फौजी उनके हलाक हुए हैं और काफी जो है वहाँ पे उनको नुकसान हुआ है उस फौजी अड्डे के ऊपर अब मजीद क्या तफसीत हैं वो वो ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक नुकसान हुआ बड़ा बड़ा हमला है और बड़े वो परेशान हो गए कि अचानक ये अभी तो हम ये सोचे थे हम प्रिपेयर हो रहे थे कि ईरान ने जो जवाबी अटैक करना होगा तो हमने उससे कैसे निपटना है क्या करना है और उस हवाले से हम अभी अपनी सी बात है उनकी भी अपनी जासूसी वासूसी होती वो कर रहे होंगे तो ये किधर से आ गया और ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतना खतरनाक कि आके और स... बिल्कुल सटीक आके अपनी जगह पे वो लगा है और वो भी परेशान है कि वो कोई उसको मतलब इंटरसेप्ट भी नहीं कर सका कोई उनका डिफेंस सिस्टम तो वहां एक अजीब जो ना हड़बोंग उतर मची हुई है अच्छा अभी यह सिलसिला चल ही रहा था तो वो बीच में एक और कहानी आ गई वो कहानी हो गई कि वो मोसाद के जो है जहाँ उनका जो मोसैट है जो उनका जो अड्डा है वहाँ पर उनके करीब जो है एक छोटा सा बाजार एक बाज़ार तो खैर नहीं कहेंगे वो बताया गया है कि छोटी सी कोई जगह थी आमतौर फाम उमन होती थी थो ज़्यादातर मोसैट के लोग जो है वहां पे आते जाते थे उसके उसके ऊपर जनाब कोई आदमी एक बस लेकर आ गया और जहां कुछ लोग मोसाद के बैठे हुए थे वहां पे खुश कभी में मसरूफ़ होंगे खुश हो रहे होंगे कि भाई हमने ईरान पे हमला किया जो कुछ भी जो उनकी होती है अपनी उनकी सोच उसके ऊपर ला के जनाब वो बस उन्होंने चढ़ा दी जिसके नतीजे बताया जा रहा है कि जनाब कोई पैंतालीस के करीब जो है ना बंदे जख्मी हुए जिसमें से छः के अभी भी हालत जो है बहुत नाजुक है और सात बताया कि फौजी वहाँ वो भी शहीद हो गए तो उस पर तो शहीद और वो मतलब हलाक हो गए यहूदी तो ख़ैर शहीद नहीं होते शहीदी तो वही होते हैं जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं और अल्लाह की खातर जो लड़ते हुए शहीद होते हैं तो माफी चाहता हूँ सिल्प ऑफ टंग तो मकसद कहने का ये हुआ कि अभी ईरान बदला लेने की सोच ही रहा था कि जो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया तो ये जो है ना बड़ा मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए बड़ा जो है अजीब एक सूरत हाल बनी है इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये मामला जो है मुझे बढ़ता नजर आ रहा है मतलब डायरेक्ट अब भूतीस भी कूद गए हैं और सुनना सुनने में ये आ रहा है कि खबरें आ रही हैं कि शुमाली कोरिया से भी आ, अब कुछ मदद है इनकी होने वाली है ऑलरेडी शुमाली कोरिया ने वहाँ आपको बताया पहुंचाए हुए हैं यूक्रेन के अंदर उनके फौजी आ गए हैं उनका जो बूट्स हैं ऑन ग्राउंड हो चुके हैं लेकिन शुमाली कोरिया के फौजियों का या शुमाली कोरिया का ईस्ट के अंदर आने की खबर जो है ना ये वाकई बहुत बड़ी तवीशनाक है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कार जो बढ़ रहा है अब देखते हैं ये क्या इन खबरों में कितनी हकीकत है अच्छा दूसरी एक बात यह है कि अमेरिका ने कल दोबारा कहा जनाब रात फिर आलस, तो, मतलब यहाँ अल सुबह का टाइम हुआ रात के ईरान को खबरदार किया जनाब अगर उसने हमला किया तो फिर उसको जो है बड़े जबरदस्त उसको इसके नतज भुगतने पड़ेंगे और साथ में यह भी कहा कि हो सकता है कि रद्द के तौर पर अमेरिका भी उनके साथ आए लेकिन बहरहाल ये एक अमेरिका की है और ये तो मैं शुरू से कहता रहा हूं आप लोग भी समझते हैं कि इसराइल की भरपूर कोशिश है कि अमेरिका को शामिल कर लिया जाए जंग के अंदर बहरहाल अब देखिए क्या होता है लेकिन मैं अपने तौर पर समझता हूं कि इस वक्त मुसलमानों का जो है ना थोड़ा सा रवैया अभी ठीक है सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा रद्दमल दिया ईरान के वाले से लेकिन एक मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर ये जो ईरान का जो हुआ था इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ओ का एक इजलास जो है ना होना चाहिए था मैं समझता हूं होना चाहिए था अगर ओ का नहीं हुआ तो कम अज कम ओपेक का जरूर होना चाहिए था क्योंकि देखिए ना इसराइल की तरफ से जो कुछ हो रहा है इससे अगर हालात खराब होते हैं मशिक वस्ता के अंदर नहर वगैरह पे अगर मामला खराब हो जाते हैं अगर तेल की तरसील रुक जाती है तो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम होंगी ना तो यहां ओपेक का तेल का सारा कारोबार मुतासर होगा तो ओपेक ममालिक को चाहिए कि वो एक हंगामी मीटिंग करते कम अज कम अगर वो ना करें ओ आई सी नहीं करती तो ओपेक पैक मामालिक करें लेकिन पता नहीं मुझे नहीं पता मुसलमान जो थिंक टैंक्स हैं वो अभी क्या फिलहाल सोच रहे हैं अच्छा जैसे मैंने कहा आपसे बात की अभी स्टार्टिंग में कल रात ईरान में मशावरत वगैरह होती है कि भाई क्या करना है कैसे हमला कर हमला तो खैर मुझे लगता है ईरान करेगा आ, लेकिन उसमें भी कल जो मामला चलते रहे उसमें उसका कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन यहां मेरा एक मेरे अपनी एक इतला है कि अगर ईरान ने माफ कीजिए अगर ईरान ने इस हमले में या रिटेलिएशन जो आ, मतलब दोबारा जो उसने करना है इस जवाबी हमले में अगर कोई बहुत ज़्यादा देर लगाई और कोई ऐसी देर लगाई जिससे कि कोई ऐसा मतलब पैगाम गया इसराइल को कि ईरान डर गया है या ईरान दब गया है तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं तो करता हूं कि ईरान की इसराइल की तरफ से एक और हमला जो है मतव है हो सकता है ईरान पर और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये मेरा ख्याल है यह खबर नहीं है हो सकता है गलत भी हो लेकिन मैं हालात वाकत से मैं मतलब मेरी छठी जो कह रही है अच्छा एक बात और बड़ी है कि जब एन उस टाइम जिस वक्त ईरान के ऊपर इसराइली हमला कर रहे थे बिल्कुल जिस वक्त उनके अपार्टमेंट तकरीबन दो सवा घंटे का वो ऑपरेशन था एन उसी टाइम शुमाली इसराइल के अंदर जो है बहुत बड़े पैमाने पर पे जजला आया उससे काफी मतलब शुमाली इलाकों के अंदर कुछ काफी नुकसान तो नहीं हुआ जल्देले बड़े झटके महसूस किए गए तो ये समझ में नहीं आ रहा मैंने अपने तौर पर कुछ थोड़ी बहुत तहकीक की थी तो पता ये लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइली कुछ लोग कहते हैं कि वो हज़बुल्लह ने धमाका किया था कुछ कहते हैं कि वो नीचे जो होते हैं अंडरग्राउंड टनल्स उनको उन्होंने एक्सप्लोजन किया था कुछ जो लबनान शबनान की तरफ जाए थी पता नहीं मख्तलि मतलब मैनी मॉथ्स मैनी टॉक वाली बात है लेकिन मेरी अपनी जो गट फीलिंग है वो ये है मुझे लगता है कि इस दौरान इसराइल ने शायद कोई बहुत बड़ा धमाका यानी एक और कोई एटमी धमाका किया है खतरनाक हथियार का किसी का सारी दुनिया की तवज्जो वहाँ लगी थी और उन्होंने ये धमाका किया है ये मेरा ख्याल है और बाहर मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ इस तमाम सूरत हाल की तो ज़रूर से हवाले से पता लगा तो मैं आपको इन शुरू बताऊँगा ये तो मशक वस्ती की सूरत हाल थी और बाकी ब्रिक्स वगैरह का मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिक्स की बड़ी कामयाब गई है और ब्रिक्स के हवाले से भी बहुत सारे जो फैसले हुए हैं आस्ते आस्ते वो चीज़ें आ रही हैं सामने आ, देखते हैं कि मामला कहाँ तक, तक चलते हैं अमेरिका के इलेक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन मुख्त लोग मुख्तलि पोल दे रहे हैं लेकिन मैंने जो वहाँ से मालूम की उसमें यह है कि अभी भी जो है ना ट्रंप ऊपर जा रहा है और अब ट्रम्प के हवाले से ये है कि जो अभी कुछ ईरान पर हमला हुआ है और जिस तरह बाइडन के बयान आए हैं ईरान के हवाले से और इसराइल के हवाले से तो उससे तो एक बात ये वाजे होती जा रही है कि जो अमेरिका के जो मुस्लिम वोटर हैं वो तो अब बाइडन को वोट नहीं देंगे वो कहीं ना कहीं जाएंगे ट्रम्प की तरफ तो अब उस मामला को और किस तरह लोग उसको अपने हवाले से इस्तेमाल करते हैं ये देखना भी आ, बाकी ये भारत पाँच नवंबर आ रही है आ, बहुत जल्दी तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी न सिर्फ वहां बल्कि पाकिस्तान में भी नहीं नहीं अच्छा पाकिस्तान का जब मैंने जिक्र कर दिया तो मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको कहा था जब ये छब्बीसवीं तरमीम और इसी बड़े लोग कह रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि छब्बीसवीं तरमीम मंजूर तो हो जाएगी लोग कह रहे थे नहीं होगी लेकिन मैंने कहा हो जाएगी मुझे पता था क्योंकि काजी फ़ायजा साहब डंडा लेकर बैठे थे आ, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर और उनको पता था कि ना उन्होंने इसको चैलेंज होने देना था ना कुछ होने देना था जब जाहिर सी बात है जब हर चीज़ पैरे में हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता तो लिहाजा इसी वक्त हमने कहा था लेकिन बाद में हमने ये भी कहा था गवाह हैं इस चीज़ के हमारे अगर आप देखते हो पूरे अगर स्किप ना कर तो मैंने ये भी कहा था कि हो तो जाएगी लेकिन इस पर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बरह रास्त आइन के साथ मुतम है अब यही हो रहा है अब जो सूरत हाल आ रही है सामने वो यही हो रहा है कि जो बात मैंने आपसे कही थी क्योंकि मैंने खुद आइन का मुताल किया है मैंने इस आइन एक तरफ आइन और एक तरफ ट्वेंटी इस तरह रख के दोनों की शिकों को चेक किया है बड़ा जबरदस्त कंट्रोडिक्शन है बहुत जबरदस्त कंट्रोडिक्शन है मतलब यूं अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करने के लिए छब्बीसवीं तरमीम की शक्ल में एक नया लीगल फ्रेम ऑर्डर या एक नया मतलब आ, जो है माहिदा जो है वो लेके आना चाह रहे हैं इमरानी माहिदा अगर कह लें उसे उर्दू में तो वो लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई मुवालगा नहीं होगा लिहाजा अब आगे हैं नए चीफ जस्टिस साहब हाँ, मैंने कल आपको बता दिया था कि इनके ऊपर नजर रखें जैसे मैंने कल कहा था मैंने शुरू में बहुत कहता था लोगों को थर्मंडला पे नजर रखें और जब जो कुछ वो करें उनके साथ आप खड़े हो अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लोग नहीं खड़े हुए थर्मंडला ने अपना काम किया देखा कुछ नहीं तो वो अपना उन्होंने बिस्तर बांधा निकल लिए वो भी तो इसलिए अब मैं कह रहा हूँ जरा इन पे भी नजर रखें जिस पे जस्टिस से आइया आफरीदी पर ये कौम को हैरान करेंगे ये अब देखिएगा मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा तो कौम को चाहिए कि इनके फैसलों पर नजर रखें उन्होंने आते ही जनाब वो काम कर दिया पहले तो सारे उलट पुलट करने शुरू कर दिए अब इसमें क्या है मैं बता रहा हूं कि इदारों के अंदर जो ना मामला को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है जैसे आपको कल भी बताया था कुछ लोगों ने पूछा था कभी क्या वो मैं अभी ये थोड़ा सा बताया था आपको वो ये है कि उसमें सबसे पहले तो अदालतों के निजाम को दुरुस्त करेंगे ये पसंद के जो है सारा मामला ये ख़त्म करेंगे ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं अब कन्फर्म खबर है पहले भी दिया था इशारा में फिर बताया हूँ कि अब तो एडहॉकज्म जो है ना पूरे मुल्क से खत्म किया जा रहा है एडहॉक के ऊपर कोई चीज़ नहीं आएगी ये अब ये उन्होंने फैसला कर लिया है आने वाली जो अदलिया ने क्योंकि अदलिया जो है ना ये भी सियासत का बहुत बड़ा सतून होता है तो ये जो सतून है ना जो पहले लड़खड़ा कर जाके गिर पड़ा था ना ना नजर न आने वाले जो हलके हैं उनके दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया था वो सर पकड़ के ना इस सुतून को वहां ले आके खड़ा कर दिया था अब वो इस सुतून को ये जनाब इधर पकड़ के ले आए हैं ठीक है थीके? और उनको कहा यह सतून अपनी जगह खड़ा रहेगा तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस मामले को दुरुस्त किया जाएगा इसमें सबसे पहली बात तो यह है मैं आपको बता रहा हूँ जो पसे पर था मेरे पास इतलात है मेरे जराये से कि एडहाजम की मुकम्मल पाबंदी नंबर एक नंबर दो कल जो फुल कोर्ट होगा उस पर आप नजर रखें उसके अंदर बहुत सारे मामला होंगे और मेरे पास जो अंदर की खबर है वो ये है मेरे अपने राय होते हैं एक चीज तो ये देखी जाएगी उस पर गौर किया जाएगा कि रियाती मामले के अंदर अल्फाज पर गौर कीजिएगा रियाती मामला के अंदर अदलिया को बेदखल करने या अदलिया को बाहर करने के मामला पर गौर किया जाएगा नंबर एक नंबर दो ये जो तरामीम में में रही है है हो गई है सत्ताईसवीं आएगी फिर अट्ठाईसवीं आएगी फिर उनतीसवीं आएगी जो तरामीम तरामीम दर तरामीम जो आने का चक्कर है इसके ऊपर भी इसको गौर किया जाएगा और अंदर से ये फैसला इन्होंने कर लिया है कि अब किसी तरामीम शरामीम की कोई इजाजत नहीं होगी और जो हो गई है उस पर भी शायद हो सकता अमल दरामद नहीं होगा यह मैं आपको पहले पहले भी खबर दे रहा हूं और फिर कन्फर्म कर रहा हूं अब ये कल कल के एजेंडे में है अभी तक आज की तारीख तक ये कल के एजेंडे में है अब रात को अगर कहीं से कोई पीछे से अगर कुछ मामला अगर तय हो जाते हैं तो मैंने कि गैब कालम मेरे पास नहीं है मैं तो वो चीज़ें जानता हूँ जो मुझे बता दी जाती हैं मेरे जरा गैब का इलम बिल्कुल नहीं है मेरे पास तो ये ख़बर मैं आपको दे तो रहा हूँ कल ये हो सकता है और कल का जो ये है ना इजलास फुल कोर्ट का ये बड़ा अहम है सवाल इसे देखते हैं हम आपकी भी नज़र है मेरी भी नज़र आई हम भी देखेंगे हम भी सीख रहे हैं देख रहे हैं आपकी तरह नज़र है हमारी भी अच्छा शरीफ साहब जो हैं हमारे नवाज शरीफ साहब साहब कहता हूँ भाई बड़े आदमी आपको पता है इतनी बड़ी शख्सियत हैं क्या पैसा दौलत और फील्ड और क्या जनाब उनका और कल क्या वो टमाटर और क्या वो नारे माशाल्लाह माशाल्लाह यानी पैसे में भी बेानतहा और तोहन के अंदर भी बेानतहा मैं इसमें खुश नहीं हूँ मुझे अफसोस है इस चीज़ का उम्र के हिस्से के अंदर एक आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो और उम्र के हिस्से में और इस तरह बेजती का होना ये अच्छी बात नहीं है दुख मुझे भी है लेकिन क्या करें अफसोस के उनके अमाल का नतीजा है अब लोग ये कह रहे हैं कुछ थोड़े से कि जनाब ये देखिए ये बदतमीज कर दिया इमरान खान नहीं बदतमीज नहीं किया ये बिल्कुल लोग गलत कह रहे हैं ये बदतमीजी नहीं है ये लोगों को शऊर आ गया है और उनको पता लग गया है कि जो चोर है जो बदवान है जो मुल्क दुश्मन है उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए दुनिया में मुझे कहीं भी पता बत... यहां पर भी होता है यहां पर भी होता है अगर किसी भी बड़े पॉलिटिशियंस का अगर ही पता लग जाए कि इसने कोई बहुत बड़ा गबन किया है कोई घोटाला घोटाला किया है तो आप यकीन करें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाते हैं अमूमन वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफर नहीं करते उनको तो पता है कि लोग यार कुछ ना कुछ बात करेंगे यहां असल में थोड़ा सा मुहजि है ना मुआशरा फिर भी लोग कह देते हैं कुछ ना कुछ लेकिन हमारे पास तो तहजीब तो मतलब छू के भी नहीं गुजरी है हमारे पास दस हजार मील का फासला है वो जाते ना कहीं आप तो कुत्ता लगा हुआ नजर आता है कि लाहौर इतने मील दूर तो जब पाकिस्तान में दाखिल हो तो वह पहले ही ना कि तहजीब व तमदन पचास हज़ार मील दूर तो इसीलिए वहां पर यह ज़रा ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे लीडरों ने कभी तालीम पर तोजह ही नहीं दी हमारे तो तो, तो, तो इसमें ये इमरान खान को कसूरार ठहराना गलत है किसी को भी लोगों के अंदर अब शऊर आ गया इमरान खान ने यह अवेयरनेस दे दी लोगों को कि देखो ये चोर हैं इन्होंने क्या कुछ किया है और ये उसके बाद फिर दोबारा महज़ बन के बैठे हुए हैं इनके नकल और फेल फेल में कोई तजा है मतलब यकसानियत हर चीज़ में ये दो नंबर का म्यारे है तो लोग जो है ना अब जाहिर सी बात है लोगों ने देखा कि इनको तो कुछ नहीं कर रहे ला के ताकतवर हल्के दोबारा इनको लूट मार करने वालों को बैठा देते हैं तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन तो निकलनी है ना कहीं सर फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी तो ये फ्रस्ट्रेशन है असल में ये इमरान खान की तय वो नहीं है तालीम नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है और इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए बेहतर ये होगा कि मामला को दुरुस्त किया जाए इदारों को दुरुस्त किया जाए कौम के अंदर तालीम जो है तालीम अब शऊर आ गया तो इनको तालीम की तरफ लेके जाया करें इनको तामीरती और मस्बत चीजों की तरफ काम को लगाया जाए ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाए जिससे लोगों को पता लगे काजी साहब भी निकल के चले गए वो भी इस निज़ाम की गिरने की पहली जो गिरा है निज़ाम का जो पहला और इनशाला लंच आई निजाम गिरेगा बहुत बुरी तरह जरील होता और रुस्वा होता हो जाएगा इन शाह ये आप देखिएगा वो भी अब छुपे पहुंचे पौंच, हैं लेकिन उनके साथ भी मुझे पता लग रहा है कि जहां जहां वो वहां मेरे पास हैं वीडियोस वगैरह लेना पता है मैं इस कसम की वीडियोस नहीं लगा था नवाशी वाली भी खैर आपने देख रही हूँ और भी लेकिन मैं कम से कम ऐसी चीजें नहीं दिखाता अफसोसनाक होता है मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इसकी पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए हमें इस पर अपने अपने घरेवानों में झांकना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरा भी ऐसा अशर हो तो लिहाजा मैं अपने तौर पर इन चीज़ों से बचूँ काजी साहब के साथ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है उनकी भी सुना बड़ी बेजती हो रही है तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना ये तमाम मामला जो आप लोग मौजूदा जो है ना इनको देख लेना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि फैजा साहब मैं इमरान की बलखे मैं फिर बार हाल ये बात कहता हूं अच्छा नहीं लगता मैं कोई इमरान खान की हिमायत नहीं करता मैं इमरान खान की पार्टी का आदमी नहीं हूं लेकिन मुझे कोई इस बात इमरान से दुश्मनी से कोई मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना करे मैं झूठ नहीं बोलूंगा मुझे नजर आ रहा है कि कौम उसके साथ खड़ी हुई है ये जो कुछ हो रहा है ना आप देखें आप नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है ये कौन है मतलब ये मतलब कोई अमेरिकन तो नहीं है ना कोई जल्सकी के लोग तो नहीं है पाकिस्तानी है यहां पाकिस्तान के अंदर वोट पड़े किस से ना के डाले कौन ना के डाल गया सऊदी अरब वाला के डाल गया पाकिस्तान की आवाम डाला फॉर्म पैंतालीस जगह फॉर्म सैतालीस इसने बदला किया बदल आप ही लोगों ने बदला फॉर्म लोगों ने इसी तरह से बदले हुए वोट इधर उड़े तो आज सारे लो लोग खड़े हैं लोग जेलों में जा रहे हैं मार खा रहे हैं जल से कामयाब हो रहे हैं एहतजाज कामयाब हो रहे तो कौन है ये लोग ये आवाम है ना तो भाई जब कहा गया है ये तो एक फलसफा है ना हकीकत है ये आवाज़ कल को नकार खुदा समझो जब नकार खुदा को आप नहीं समझेंगे अल्लाह के इशारों को आप नहीं समझेंगे आप अपनी जिद करेंगे तो फिर आपका अशर तो यही होना है ना फिर नवाज शरीफ वाला अशर होना और काजी वाला अशर होना तो जो पीछे जो लोग हैं ना जो बैठे हुए हैं इस वक्त उनको नजर आ जाना चाहिए कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा है और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा है और जो कुछ काजी साहब के साथ होने जाएगा होने जा रहा है होने जाएगा फिर इन द बैंक छोड़ के जा रहा हूँ वो मौजूदा लोगों के साथ इससे कहीं ज्यादा हो सकता है डेफिनेट होगा खवा मैं भी हूं अगर कोई ऐसा काम करूँगा लेकिन अलहदुल्ला मैं मुझे फख्र है अपने आप और अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि मैं इतने कितने पाकिस्तान की सियासत में रहा मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूं कि मैंने कभी हेरा फेरी नहीं की मोहम्मद खान जनिजो के दौर के अंदर हमें प्लाट दिए गए थे वो शेल्टर फॉल्ट शेल्टरल उसके पैसे दिए गए थे मैंने वो जमा कराए वापस जब नहीं हुए उसकी अर्सीदें आज तक मेरे पास पड़ी हुई यहाँ मेरे पास यहाँ मैं अपने साथ लेके घूमता हूँ वो चीज़ें सारे एक पैसा हराम है अगर हमने कहीं हुकूमत पाक गवर्नमेंट का या आवाम का खाया इसीलिए हम जब भी जाते हैं ना अगर कभी तो हमारे अलहमदिल्ला हमें इज्जत से मिलता है हालांकि बहुत पुराना टाइम हो गया तीन दाइयाँ बहुत पुरानी होती है उस वाले हम सियासत में थे कहने का मकसद ये कि अगर आप करेंगे सही तो ठीक है वरना फिर आपको ये भुगतना पड़ेगा और आप इमरान खान ये शूर दे गया है तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें इसको ये ना कहें लोग ये जो कुछ करना है ये आपके आगे आएगा और जो लोग अगर इसको देख के अगर जो कुछ पोजिशन इस वक्त कल नवाज शरीफ के साथ हुई है जो कुछ इनके साथ होने जा रही है जो अगर इससे सबक नहीं सीखेंगे तो इससे ज़्यादा जो है ना हालात इनके ख़राब होंगे फैसला करना जो है इनका काम है और बाकी आप मुतफ़ हैं मेरी इस बात से तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़